वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सी एस ट्यूबर। आज मैं आपके लिए एक DIY फेस स्क्रब का वीडियो लेके आई हूँ, विच इज स्पेशली बेनिफिट फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। हम लोग के स्किन में एक्टिव एक्नेस रहता है, तब हमारे लिए स्क्रब करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। स्क्रब मार्केट में मिलता है, ज्यादातर हम लोग उसे अवॉइड ही करते हैं यूज करना, क्योंकि उससे हम लोग का पिंपल और ज्यादा इरिटेट फील। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए एक होममेड फेस स्क्रब लेके आई हूँ, जो कि आपके स्किन को एक्सफोलिएट करने के साथ साथ आपके एक्ने को भी ट्रीट। और इस स्क्रब को मैंने खुद भी यूज किया है जब मुझे एक्ने की प्रॉब्लम थी। मेरा स्किन अभी बिल्कुल एक्ने फ्री है। अगर आपको जानना है कि मैंने अपने एक्ने को कैसे दूर किया और एक्ने स्कार्स को कैसे दूर किया, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ डिटेल्स में सारा चीज शेयर करूंगी। चलिए देखते हैं इस स्क्रब को कैसे बनाना। इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 ही इंग्रेडिएंट की जरूरत है, एप्पल प्यूरे, कॉफी एंड हनी। पहले हम लोग 1 चम्मच लेंगे एप्पल प्यूरे, फिर उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, ये सब मेजरमेंट मैंने एक छोटा चम्मच से लिए है। फिर डालते हैं 1 चम्मच हनी, फिर तीनों को अच्छे से मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। फिर इस बनाए हुए पेस्ट को अपने पूरे फेस पे लगा के सर्कुलर मोशन में स्क्रब कीजिए। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है एप्पल का प्यूरे, जिसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमारे स्किन के टिश्यू और सेल को डैमेज होने से बचाता है। स्किन से एक्सेस ऑयल दूर करता है, जिसके वजह से कि हमारा एक्ने का प्रॉब्लम दूर होता है। इसमें भरपूर मात्रा में इलास्टिन और कोलाजन भी प्रेजेंस होते हैं, जिसके वजह से हमारा स्किन यंग दिखता है। इसमें जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है कॉफ़ी, जो कि हमारे स्किन में एक माइल्ड एक्सफोलिएटर का काम करने के साथ साथ हमारे स्किन से टैन रिमूव करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। हनी, जो कि एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है, हमारे स्किन में एक ग्लो प्रोवाइड करता है और इसका एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी हमारे स्किन से एक्ने के प्रॉब्लम को भी दूर करता है। इस बनाए हुए स्क्रब को अपने फेस पे हफ्ते में 2 बार यूज कीजिए, देखिएगा आपका एक्ने काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। आपका स्किन किसी भी टाइप का हो, आप ये स्क्रब यूज कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। मैंने स्क्रब को 5 मिनट रखने के बाद उसे अच्छे से धो लिया है और मुझे अभी मेरा स्किन थोड़ा सा फ्रेश और साफ फील हो रहा है और एक नेचुरल ग्लो भी दिख रहा है। और इस वीडियो को लेके अगर आप लोग के मन में कोई सवाल है तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।